होम क्वारंटीन के उल्लंघन के आरोप में राजस्व पुलिस में 6 महीने के बच्चे और 3 साल के बच्चे के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है और अब इस मामले में प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। तो जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने इस मामले में संबंधित क्षेत्र के कोविड-19 मजिस्ट्रेट गिरीश सिंह राणा को निलंबित कर दिया है। उत्तरकाशी में यह मामला मानवीय संवेदनाओं को झकझोर देने वाला है। जुवेनाइल एक्ट के तहत 8 साल से कम उम्र के बच्चों पर कोई भी केस दर्ज नहीं हो सकता है। लॉकडाउन के दौरान होने वाली चिन्याली सौर राजस्व क्षेत्र के गांव में पंचकुला हरियाणा से एक परिवार अपने 2 बच्चों के साथ गांव पहुंचा। इस परिवार को होम क्वारंटीन के निर्देश दे रहे थे। आरोपी के परिवार ने होम क्वारंटीन का पालन नहीं किया। इसकी शिकायत जिलाधिकारी तक पहुंची। जिलाधिकारी के आदेश पर कलेक्टर ओसी चतर सिंह चौहान ने चिन्याली सौर तहसील क्षेत्र में होम क्वारंटीन पालन न करने वाले 51 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और इसमें 4 लोग थाना धरासू क्षेत्र के थे जिनके खिलाफ रेगुलर पुलिस ने केस दर्ज किया, लेकिन 47 लोग राजस्व क्षेत्र के थे। इसी 47 लोगों की सूची में 6 महीने की का बच्चा और 3 साल की बच्ची का नाम भी शामिल था। उनके माता पिता का नाम भी शामिल था। तो राजस्व पुलिस के पास जैसी ही सूची पहुंची तो राजस्व पुलिस होम क्वारंटीन का पालन न करने और दूसरे के जीवन को खतरे में डालने के आरोप में उनके खिलाफ ये केस दर्ज कर लिया गया। लेकिन जैसे ही ये मामला सामने आया उसके बाद मजिस्ट्रेट को निलंबित कर दिया गया। इसमें हम लोगों ने होम क्वारंटीन के इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन और होम क्वारंटीन को जंप ना किया जाए इसके लिए कोविड मजिस्ट्रेट्स बनाए थे जिनका काम था कि वो गांव-गांव जाकर होम क्वारंटीन का विधिवत अनुपालन करवाएं। उसी क्रम में एक कोविड मजिस्ट्रेट के द्वारा ये जांच आख्या दी गई। उन्होंने कुछ लोगों को होम क्वारंटीन का उल्लंघन करते हुए पाया। उनकी रिपोर्ट के बेसिस पे राजस्व पुलिस के द्वारा जो मुकदमा दर्ज किया गया इसी में दौरान विवेचना राजस्व उपनिरीक्षक ने ये पाया कि उन्होंने जो रिपोर्ट दी है उसमें 2 छोटी उम्र के बच्चे और राजस्व उपनिरीक्षक की सूचना के आधार पे हम लोगों ने उसमें उन्होंने खुद ने स्वीकार किया कोविड मजिस्ट्रेट ने कि उन्होंने बिना स्थलीय निरीक्षण किए हुए बिना गांव में जाए हुए ये रिपोर्ट बनाई है। तो ये उनके बयानों में आ चुका है। इसी आधार पर हम लोगों ने उनके सस्पेंशन और डिसिप्लिनरी एक्शन को के लिए रिकमेंडेशन